हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम यूनिट नंबर 3 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, बीएससी पार्ट सेकंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने इसमें दोनों प्रकार के नोट्स कंबाइंड किए हैं, इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। आपके सबसे पहले तो इसमें जो इंट्रोडक्शन की बात आती है कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, जिसको आप सह संयोजक, उप सह संयोजक। सह संयोजक तो क्या होता है, जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और उप सह संयोजक कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। अब आपके इसमें देखिए कि ये आपका जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए है कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी साल्ट अगर होता है, जिसकी वजह से एग्जाम्पल डबल साल्ट की अगर बात करते हैं, तो ये यौगिक केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं तथा विलय होने पर अपने अवयवी गुण या अणु या आयनों में टूट जाते हैं। सिंपल KCl, NaCl इत्यादि अगर आपने देखा होगा, जो Na+ और KCl- में टूट जाता है। KCl भी Mg2+2 है ना, Cl। तो ये सब जो हैं ये अपने अपने आयनों में डिवीजन हो जाते हैं। अर्थात अगर दो लवणों से दो दो आपके आयन इसमें प्राप्त हो जाते हैं, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये क्या है, सब मिलके क्या होते हैं के द्विक लवण। अब ये दोनों ही साल्ट हैं और ये आपस में क्या बनते हैं, मिलकर। तो ये क्या करते हैं, ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं तथा विलय होने पर अपने अवयवी गुणों में या अणुओं में टूट जाते हैं। आपको देखा कि ये सबसे पहले तो इसमें लगता है जैसे KCl.MgCl2.6H2। तो ये क्या है अपने आप में, ये पूरा का पूरा जो आपका है एक द्विक लवण कहलाता है, क्योंकि इस पूरे के अंदर आपके जब ये टूटता है तो KCl और MgCl2 का जो है ना, ये आपके चूंकि इसमें ClCl, तो ये कितने बनेंगे, K+, Mg2+ और Cl-, ये साल्ट इसमें प्राप्त होते हैं। अर्थात ये दो दो लवणों से मिलता है तो ये दोनों से मिलकर अपने अपने लवणों में ये टूट जाते हैं। अब आप ध्यान रखें कि ऐसा ना होकर, यदि ऐसा हो कि डायरेक्ट ही कि जो कंबाइंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर जब बात करते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि जिस जिससे बनकर बनता है, अर्थात ये यौगिक विलयनों में अभी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परंतु इनमें मूल अभिकर्मक अपनी पहचान खो देते हैं और नया यौगिक ये बनाते हैं। समझो इस बात को दोबारा से कि उदाहरण के जैसे KCN और FeCN का होल ट्वाइस, ये इसमें क्रमशः K+ व CN- व Fe2+ व CN- का परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन मतलब इसमें आयन तो सारे हैं आपके, K+ भी है, CN- भी है, क्योंकि ये जो आपके जो है KCN और FeCN2, इन दोनों के अंदर क्या है आपके भाई, आयन को डिटेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन अगर इनके दोनों के संयोग से अगर आपका ये कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड बनने के बाद में ये पूरा अगर कंपाउंड बनता है, तो इसके अंदर जब इसको आयनों में डिसोसिएट करेंगे या जब घोलेंगे, तो घोलने पर ऐसा नहीं होगा कि प्रत्येक प्रत्येक आयन अपना अपना वो देगा, लक्षण देगा। इसमें क्या करेगा, ये कंप्लीट, तो या तो क्या, जब मैंने इसमें लिखा हुआ है कि Fe2+ और CN- आयनों के स्थान पर पूरा कंप्लीट जो ये अंदर का जो ब्रैकेट वाला जो पूरा कंपाउंड है आपका, ये अपना अलग, ये अपने आप में आयन है, और ये अपने आप में आयन जो है ये इसका अलग एक तो इसकी प्रेजेंस दिखाएगा, और डायरेक्टली जो अपना आपका जो इसमें मेटल मेटल आयन है वो अपना इसका परीक्षण देगा। तो ये दोनों प्रकार से क्या हो, जैसे आपका ये CO Cl3+NH3, इसका संयोग से बना हुआ है CO Cl3.6NH3, तो इनके विलय होने पर भी अपने अपने अभिकर्मक विघटित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, क्योंकि इसके जलीय विलयन में Cl आयन तथा इस आयन का ये जो 3+ जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इन दोनों के स्थान पर ये पाए जाते हैं। तो कहना मतलब ये है कि यदि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि एक तो मेटल आयन जो होता है वो, और एक ब्रैकेट के अंदर आता है जिसमें लिगेंड, और लिगेंड जो होता है वो अपना, या दूसरा इससे मेटल मेटल आयन मिलके जो लिगेंड मिलकर अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर का फॉर्मेशन बनता है वो एक अपने आप में आयन होता है, और टोटल जो आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ऐसे कंप्लीट जो आपको मिलता है, तो इसकी वजह से क्या बनता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है।
इसमें ध्यान रखो कि यह किसी प्रकार के दो दो लवणों से मिलकर नहीं बनता है, इसमें एक तो मेटल आयन और दूसरा लिगेंड का जो अपना जो आयन होता है, ये दो ही प्रकार के क्या करता है, ये अपने अपने अवयवों में टूटते हैं और ये अवयव ही माने जाते हैं इसके, और इनमें अपने अपना ये क्या कर देते हैं, पहचान देते हैं, अपने अपने रिएक्शन में भाग लेते हैं। अब आपको आता है इसी चीज़ को, अगर आप अगर ध्यान से समझें और एक सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको बताया जाए, तो ध्यान रखें क्योंकि ये आपका इनिशियल भाग है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखो इंट्रोडक्शन होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड राइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंस टू टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर बात है, कोई दिक्कत। कंपाउंड्स प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिंपल हमारे कि खाली बस ये जो प्रकृति में सिंपल रूप में पाए थे, ये हमारे जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। हमारे जो शरीर में जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑफ एनिमल ब्लड एंड क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट्स आर आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ एफ यू और एम जी रेस्पेक्टिवली। तो ये जो आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक सिंपल पढ़ने के माध्यम से, ये नहीं है कि हम खाली इसको बस मात्र पढ़ रहे हैं, इसको समझ के पढ़ें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये हमारी प्राकृतिक लाइफ लाइफ में कहाँ मौजूद है हमने बता दिया है। अब आप ध्यान रखें, इसी को हम जो हमने जो बात पढ़ी थी उसी को हमने यहाँ पे भी थोड़ा देखेंगे। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान दें। इसमें स्मॉल में डेफिनेशंस मैंने अलग से क्रिएट किया आपके लिए। मॉलिकुलर और एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आपके वही हैं जो ड्यूक साल्ट वाले जो होते हैं आपके, मैंने उसमें बताया था आपको। जैसे यार ये पोटाश एलम के जो ये बनता है, ये सिंपल स्टेबल कंपाउंड जो होता है एडिशन, और मॉलिकुलर कंपाउंड्स आपका K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें जो 24H2O मिलता है तो ये पूरा पोटाश एलम का निर्माण करता है। आप ध्यान रखें, इस पोटाश एलम को जब भी आप इसको पानी में विलयनशील करेंगे तो इसमें अलग अलग K2SO4 हो गया, Al2SO4 का होल थ्राइस हो गया, ये अपना अपना क्या होता है, ये अपनी अपनी पहचान इसमें बताते हैं, पर ये द्विक साल्ट कहते हैं, अर्थात दो प्रकार के। द मॉलिकुलर और एडिशन कंपाउंड्स आर टू टाइप्स, दैट इज द डबल साल्ट और लेटिस कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब आपके आते हैं डबल साल्ट और ये आपके लेटिस कंपाउंड जो कहलाते हैं, क्या होते हैं, इसी चीज़ को हमने इसमें डेफिनेशन में डाला है। इसमें द एडिशन कंपाउंड विच अंडरग्रोज कंप्लीट आइसोलेशन टू फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ द आयन्स, दैट इज द टू टाइप्स ऑफ कैटाइन्स एंड वन टाइप ऑफ द एनियंस और वाइस वर्सा इज कॉल्ड ऑफ द डबल साल्ट। दिस डबल साल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन, एग्जाम्पल वेन वेन ये आपका जो आता है कार्नेलाइट जो है, कार्नेलाइट जो आता है आपका, इसमें इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द KCl एंड MgCl2। इस पूरी जो आपके जो ये है डबल साल्ट या आपका लेटिस कंपाउंड जो कहलाते हैं ना, इनमें बस यही देखने वाली बात होती है कि इसमें आपके दो जो आपके साल्ट होते हैं वो आपके अलग अलग मिलके बनते हैं अपने आइडेंटिटी, परंतु ऐसा नहीं है कि इसमें किसी प्रकार के जो ग्रुप के अंदर या आपने जो बड़े कोष्टक में ये सारे सारी जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप में आयन जो देता है वो खुद की आइडेंटिटी नहीं बताता। जैसे आपका इसमें जो पोटेशियम फेरोसाइनेट के एग्जांपल में K4Fe-CN6, अब देखिए इसके अंदर पूरे के अंदर इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, इसमें पूरा फेरोसाइनेट आयन हो गया और एक पोटेशियम आयन हो गया, ये दोनों की अपनी अपनी क्या होती है कॉम्प्लेक्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन, ये बचाए रखते हैं अपनी आइडेंटिटी को इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज दे डू नॉट डिसोसिएट इन टू सेपरेट आयन्स। एडिशन कंपाउंड्स ऑफ दिस टाइप्स अंडरग्रोस पार्टीशन पार्शियल आइसोलेशन और टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन इन एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसके बाद में ये परफेक्ट कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन द कॉम्प्लेक्सेस आर आयन्स आर फाउंड डिवाइडेड आर एज फॉलोज। इसमें दो प्रकार के आपके आते हैं परफेक्ट कंपाउंड्स में, कॉम्प्लेक्सेस में क्या आते हैं, ये आपके जो होते हैं दीज कंपाउंड्स इन विच कॉम्प्लेक्स आयन इज फेयरली स्टेबल एंड
फर्दर डिसोसिएशन और फेबली डिसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल इन आई आपके सॉल्यूशन की स्टेट के अंदर। भाई आपके जो ये क्या करते हैं, आपके जो अंडरगो हो जाते हैं इसके अंदर, अंडरगो जाते हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर, और आप घुलने के बाद में जब ये, तो इनको फर्दर भी इनको क्या किया जा सकता है, डिसोसिएट किया जा सकता है। और इम्परफेक्ट में क्या होता है, दोज इन विच कॉम्प्लेक्स एंड इज लेस स्टेबल एंड द रिवर्सली डिसोसिएटेड टू गिव इनफ सिंपल आयंस एंड द दस इम्पार्ट्स देयर ट्रेट्स। अब आप देखिए इसके अंदर ये वापस से पाना, ये पॉसिबल जो है ना, वापस से इसको पाया जा सकता है रिवर्सली डिसोसिएटेड टू गिव इनफ सिंपल, परंतु ऊपर वाले के अंदर क्या होते हैं, इनको दोबारा से पाया नहीं जा सकता। एक बार ये आयन डिसोसिएट हो गए तो दोबारा नहीं जुड़ेंगे, परंतु इसके अंदर क्या होता है, दोबारा से इसको पाया जा सकता है। तो एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स मे बी टू अनस्टेबल टू एग्जिस्ट एंड मे बी द कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन सोल्यूशन, नाउ इट बिहेव्स एज ए डबल साल्ट। अब ये आपकी पूरी डबल साल्ट की बात कम्प्लीट हो गई। कॉम्प्लेक्स आयन की जब बात करते हैं, जैसा कि मैंने हिंदी मीडियम से बताया, अभी बताया, जो पढ़ के बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, इसमें दो भाग होते हैं मोटे मोटे। एक तो इसमें क्या होता है, मेटल आयन होता है, ठीक है। जैसे आपका ये एग्जांपल देख लीजिए ना आप, पोटेशियम फेरोसाइनाइट, ये आपका जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप देखिए, इस एग्जांपल के अंदर ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है। तो एक तो ऐसे ही ये आपका क्या होता है, एक तो मेटल आयन होता है, और मेटल आयन के बाद में आपके क्या होता है, एक लिगेंड्स होते हैं। अब इसमें जो आपका जो मेटल आयन है वो आपका है आयरन, और आपका जो CN है इसमें साइनाइड जो आपका है, ये क्या है आपका लिगेंड्स। इसमें भी कैसा प्रकार का लिगेंड है, ये आपका है प्रबल लिगेंड, या इसको बोलते हैं स्ट्रोंग लिगेंड। अब इस चीज़ को आप देखिए, ये जो आपका क्लिप के प्लस है, आप सोचेंगे भाई ये क्या चीज़ है आखिर, ये खाली इसको बैलेंस करने के लिए। और दूसरी बात, चूँकि इसकी प्रेजेंस में बड़ा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसलिए क्या K4 इस पूरे जो आयन को बैलेंस करने के लिए, जो आपका चूँकि इसको पोटेशियम के बीच में मिक्स किया गया, तो ये पोटेशियम वाला फेरोसाइनाइड बन जाता है। तो ये आपका मेटल आयन नहीं है। तो ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विद आयंस कैटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स आयन। सेंट्रल मेटल आयन का आपकी बात जो करते हैं, ये क्या चीज़ होती है, द मेटल आयन विच फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स आयन इन कॉम्बिनेशन विद आयन एनियंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये आपका सीधी बात है, सेंट्रल मेटल आयन की अगर हम बात हो गई, अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है आपका, कॉपर है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर बात करते हैं, तो ये जो आप ब्रैकेट है, इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी अगर कुछ शब्द अगर इंग्लिश में याद कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, समझ के याद करें, उसको थोड़ा सा पहचाने, आगे जाके वैसे भी आपको इस चीज़ को समझना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद में ये देखिए नंबर जो आपका आता है, ये कितने लिगेंड्स के नंबर, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स, यहाँ पे जो अमोनिया लिगेंड है, ये चार अमोनिया के लिगेंड्स जो हैं इसके चारों तरफ, ये ब्रैकेट के जो ब्रैकेट के इधर अंदर है, तो ये चार जो संख्या, ये क्या है, इस चार ने सेंट्रल मेटल आयन को घेर रखा है, ठीक है। तो ये क्या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब आपका आता आयनाइजेशन स्फीयर, ये पूरा का पूरा जो आपका आयन है, इस स्फीयर को क्या बोलेंगे आप, क्योंकि टोटल अपने आप में क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर है, और यहाँ पर अमोनिया क्या है, ये अपना ये लिगेंड है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान समझ लिया क्या चीज़ है। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या होता है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट कंबाइन विद द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। फ्रॉम एवरी लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दस द नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन इज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर. द नंबर द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटेड और इक्विवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल आयन विद लिगेंड्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब ये नंबर आ गया आपका नंबर, ये ध्यान रखें बार बार आप इसको, ये जो अपने कन्फ्यूजन होते हैं कि नंबर क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या. कंपाउंड में नंबर होता है आपका, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका हो गया. आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं तो एंटिटी की जिसको बोलते हैं. द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर कलेक्टिवली टर्म एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट. फॉर एग्जांपल आपको दिख ही रहा है, द पार्ट आउटसाइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर. द स्पीसीज प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नॉट नॉन आयनाइजेशन आयनाइजेबल और द स्पीसीज प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन स्फीयर आर आयनाइजेबल. अब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट. जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं तो इस पर्टिकुलर जो सेंट्रल मेटल आयन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है मैंने आपको ये बता रखा है. इसमें सीधी सीधी बात है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन जब पूरा कम्प्लीट चार्ज होता है. अब देखिए यहाँ पर आपका COF6 है, इस पूरे के ऊपर चार्ज हमारा कितना है, +3 है. तो सबसे पहली बात है कि चार्ज ऑन द CO इज +3. कैसे है, टोटल चार्ज ऑफ द एफ प्लस कितना, -6 था. सो ये जो आपका सम ऑफ द चार्ज -3 और चार्ज ऑफ द एफ सी ओ सी कितना होगा, -3. तो ध्यान रखें अगर -3 इसके ऊपर टोटल चार्ज आता है तो आपका कोबाल्ट जो है वो +3 होगा, तभी तो बेस आपका वो होगा, टोटल होगा, न्यूट्रल करेगा उसको. यहाँ पे देख लीजिए आप, तो ये आपका एक सिंपल सी बात है, ये आपका सेंट्रल मेटल लाइन का निकालने का तरीका है उसके चार्ज को. अब लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं भी देख लीजिए. द आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन विद द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड एज लिगेंड्स. दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुइस बेसिस. बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए, हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुइस बेसिस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुइस बेसिस. जिसके लुइस बेस कौन से होते हैं, लुइस बेस वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं ताकि वो डोनेट कर सके. बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फीड लिगेंड्स दैट इज CO, CN- माइनस एटसेट्रा कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द मेटल आयन बिकॉज दे लिगेंड्स आर पाई एसिड्स. तो दीज दी लिगेंड्स आर पाई एसिड्स भी कहलाते हैं. इसीलिए क्यों कहलाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, ये इतने प्रबल होते हैं कि ये मेटल से खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन को. अब आपको इसमें आपको अनडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं जिसके कोई कोई डेंटर, तो बाई डेंटेड, यूनिडेंटेड और ट्राइडेंटेड, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, सूत्र दे रखे हैं. ये आपको इसका, इसमें आपको ध्यान रखो कि जैसे डाई पाई है तो इसका इसका सूत्र क्या है, ठीक है, एथिलीन डायमीन का सूत्र क्या है, ठीक है. ये आपके बाकी से ये ट्राइडेंटेड पेंटाडेंटेड, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि इनके लिगेंड्स विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम दैट इज, और द बाइडेंटेड क्या है, लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम्स एंड हैव द एबिलिटी टू लिंक विच द सेंट्रल मेटल आयन एट टू पोजिशन आर कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है. अब ये देखो, ये 3 डोनर एटम्स आर कॉल्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड, ऐसे टेट्रा 4 डोनर एटम्स होंगे, इसमें पेंटाडेंटेड लिगेंड होंगे. तो इस तरह हेक्साडेंटेड, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल EDTA, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमसे पूछा जाता है. एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिड एसिटिक एसिड, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसको ध्यान रखिए. और ये किलेटिंग जो लिगेंड है इसका ये अलग होता है. आपके जो ये सभी प्रकार के लिगेंड्स के बता रखे, आप कुछ क्वेश्चन आते हैं, द चार्ज ऑफ द आयरन इन द Fe(CN)6-3- इज कितना होगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका क्या होगा, इसके अंदर 6 CN- के हैं, 3+3- के हैं, तो 3 तो ये होगी, तो इसको बेस करने के लिए +3 इसका आंसर है, ठीक है. कोऑर्डिनेशन अगर नंबर आपका अगर CO का
इसमें अगर तो इसका भी क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है। लिगेंड्स क्या है इसमें, आपका इसमें लिगेंड है आयरन वो फ्लोरीन, और फ्लोरीन के हिसाब से इस जो कि फ्लोरीन 6 है, और ये क्या है कार्बन, ये आपका कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के तो जब 6 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा तीसरा आंसर 6। द न्यूट्रल लिगेंड्स इज, अब ये क्लोरो, अब ये क्या क्लोरो हाइड्रोक्सो एमीन ऑक्सिलेटो, ध्यान रखो इन सब के अंदर क्या आता है हाइड्रोक्सो, न्यूट्रल कंपाउंड कौन सा आपका भाई, सीधी सीधी बात है एमीन ही आपका क्या है, हैज़ नो चार्ज बट एक्ट्स एज ए लिगेंड, तो ये क्या आपका न्यूट्रल लिगेंड का, इसमें लोन पेयर होता है परंतु तो कोई चार्ज नहीं होता है इसमें। ये आपका ई डी आपको बताइए, सीधी बताइए आपका, ये मोनोडेंट बाइडेंटेड लिगेंड का है, ई एन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या आपका क्या है कि एक्ट एज ए क्लेटिंग लिगेंड बिकॉज दे हैव मेमोरी इज मोर स्टेबल, तो इस प्रकार ये क्या है आपका, ये क्या है क्लेटिंग लिगेंड की बात एग्जांपल आता है, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड, ये जो आपका NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ पर भाई यहाँ पर लिगेंड का दे रखा है कि क्लेटिंग जो है ना लिगेंड आए हैं, ये आपका एग्जांपल ये रहा क्लेटिंग का, ये बताता है कि जो पॉलीडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं हुज स्ट्रक्चर परमिट दैट अटैचमेंट ऑफ टू और मोर डोनर साइट ऑफ टू मेटल आयन सिमल्टेनियसली दस क्लोजिंग वन और मोर थिंग्स रिंग्स आर कॉल्ड क्लेटिंग लिगेंड्स एंड फॉर्म्स आर नोन एज क्लेट कंपाउंड्स, ठीक है। तो आज का हम इतना ही करते हैं, ये लिगेंड्स आपका कंप्लीट हो गया है, और लिगेंड के बाद में हम जो आगे बढ़ेंगे ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज है। यहाँ पर देखिए आप इसी चीज़ को जो आपका जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि ये आपके केंद्रीय धातु आयन से जितने भी जो इसको घेरे रहते हैं, ये आपका ये जितने भी लिगेंड्स को घेरते हैं, तो इन लिगेंड्स की संख्या क्या कहलाती है आपकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है, और जैसा ये आपके हैं कि समन्वय संख्या इसको बोलते हैं, किसी उपसंयोजन प्रजाति में केंद्रीय परमाणु से सीधे ही बंधित परमाणु की संख्या क्या कहलाती है समन्वय संख्या कहलाती है। लिगेंड एक दंतु उसमें भी देख आपके पूरे लिगेंड की एग्जाम्पल सारे दिखा रखे हैं आपके, समझाई चुके आपको लिगेंड क्या होता है। तो ये आपके कुल मिला के लिगेंड्स की संख्या क्या होती है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड किस प्रकार का होता है, क्लेटिंग लिगेंड पर आपका एग्जाम दो बार आपका क्वेश्चन आ चुका, तो ध्यान रखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्वेश्चन आ चुका है, ये मेन मेन है इस पूरे जो चीज़ में आपके लिगेंड की परिभाषा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की परिभाषा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या कहलाते हैं, और इसमें EDTA का एग्जाम्पल हेक्साडेंटेड लिगेंड का, EN जो आपका बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है, और आपका कि क्लेटिंग जो लिगेंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आपके एम्फीडेंटेड जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको याद कीजिए, समझिए नोट्स कम्प्लीट है, और आप ध्यान रखें अपना खुद का, ठीक है, गुड बाय।